हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आई ट्यूटर एजुकेशनल चैनल। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस 9th स्टैंडर्ड साइंस। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे अगर हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एज यू नो, लाइफ दैट मीन्स हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर से बनी हुई है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी बनी हुई है बाय सेल्स। सेल्स की डिस्कवरी 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया और उसमें ऑब्जर्व किया कॉर्क को। एक्चुअली कॉर्क जो है वो प्लांट के स्टेम में जो बार्क होता है उसमें से बनता है, दैट मीन्स जो उसका छिलका होता है उसमें से बनता है कॉर्क। और रॉबर्ट हुक ने ये कॉर्क को स्टडी किया सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो हुआ और ये स्ट्रक्चर देखते ही उन्हें हनीकॉम्ब की याद आ गई। हनीकॉम्ब में जिस तरह से लिटिल कंपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं, कॉर्क के अंदर भी उन्हें कुछ इसी तरह के कंपार्टमेंट्स माइक्रोस्कोप में दिखाई दिए। उन्होंने ये हर एक कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल्स, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में सेल का मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। ओके, जिस तरह से हनीकॉम्ब में लिटिल स्मॉल रूम अवेलेबल होते हैं, इसी तरह से कॉर्क के अंदर भी स्मॉल लिटिल रूम अवेलेबल थे, उसे नाम दिया गया सेल। अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हुई और न्यू टाइप के पावरफुल माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। तो ये जो सेल्स हैं, इसकी स्टडी और ज़्यादा क्लियर होती गई और ज़्यादा डिटेल में आती गई। सो अगर हमें कोई भी सेल्स को देखना है तो हमें परफॉर्म करना होगा, हमें बनानी होगी स्लाइड। तो स्लाइड कैसे बनाते हैं, लेट स्टडी दैट। सबसे पहले अगर हमें स्लाइड बनानी है तो हमें चाहिए एक ऑनियन बल्ब। ओके, ऑनियन बल्ब का एक पीस हम उसमें से कट करेंगे और फोर्सेप्स की हेल्प से उसके इनर लेयर की हमें एक छोटी सी थीन लेयर उसमें से रिमूव करेंगे। ये थीन लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस ड्राई ना हो और फोल्ड ना हो, इसी के लिए हम इसे तुरंत ग्लास से बनी हुई प्लेट, जिसे कहा जाता है वॉच ग्लास, उसमें वाटर ऐड करके तुरंत उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो एपिडर्मिस है वो ड्राई नहीं होगा, फोल्ड नहीं होगा, और उसे हम इजीली अच्छे से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकेंगे। अब हमें एक स्लाइड लेना है और स्लाइड पे हमें रखनी है एक छोटा सा वाटर ड्रॉप, और उस पर हमें ये जो हमारा एपिडर्मिस का थीन लेयर था उसे ट्रांसफ़र करना है स्लाइड पे। ओके, अब ये स्लाइड के ऊपर हमें ऐड करना है अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन। एक्चुअली सेफ्रेनिन जो है वो कलर इंडिकेटर है, वो कलर शो करेगा, जिससे हम जो सेल्स की स्टडी है, जो सेल्स की व्यू है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे। और अब हमें ये जो एपिडर्मिस है उसे कवर करना है बाय कवर स्लिप, एक ग्लास का थीन लेयर होता है जिससे कवर करना है, और हमारी स्लाइड हो गई प्रिपेयर। अब ये स्लाइड को हमें ऑब्जर्व करना है थ्रू माइक्रोस्कोप। जब हम इसे सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये है ऑनियन सेल्स, हर एक सेल आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स से। ठीक है, दैट मीन्स अगर ऑनियन जो बनी हुई है वो इसी सेल्स से बनी हुई है, पूरी ऑनियन को बनाने के लिए सेल्स का यूज़ हुआ है। सेल्स के अंदर अलग अलग बहुत सारे टाइप्स है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सिर्फ ऑनियन ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब ये सेल्स से बने हुए हैं। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं ह्यूमन चिक सेल्स, ह्यूमन बॉडी जो है वो भी सेल्स से बनी हुई है। हाँ, ये सेल्स थोड़े से चेंज, थोड़े से अलग हैं, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबकी बॉडी बनी हुई है सेल्स से। ओके, इसी के लिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है,
सिर्फ एक ही सेल पूरी बॉडी की तरह बिहेव करता है, उसे कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो फाइनली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब बने हुए हैं सेल से, इसी के लिए सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ उससे पहले साइंटिस्ट और हम ऐसा कंसिडर करते थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ दो ही कैटेगरी में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जब इन्वेंट हुआ माइक्रोस्कोप तो उसके थ्रू कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिले जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं, और एक सेल जो है वो इतना स्मॉल है कि हम उसको नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते। तो एक और कैटेगरी अंदर ऐड हुई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, लाइक अमीबा, क्लेमेडोमोनास, पेरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मीनिंग होगा यहाँ पर सिंगल, क्योंकि इनकी वॉल बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई है, पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल अवेलेबल है और यही सेल पूरी बॉडी की तरह बिहेव करेगा, इसी की वजह से इन्हें कहा जाएगा यूनि सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स से बनी हुई है और एक से ज़्यादा सेल्स को अलग अलग वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अलग अलग उनका फंक्शन है, और इसे हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, मल्टी का मीनिंग होता है मैनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हाउस बिल्डअप करना है, एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सारे ब्रिक्स और सीमेंट के थ्रू हम बनाएंगे वॉल। वॉल जब बनेगी, अलग अलग वॉल्स कंस्टिट्यूट होके बनाएगी अ रूम, रूम्स कंबाइन होके बनेगा हाउस। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो है सेल। सेल एक दूसरे से टुगेदर होते हैं, एक दूसरे में ज्वाइन होते हैं और बनता है टिश्यू। टिश्यू ज्वाइन होके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन ज्वाइन होके बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। दैट मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितना भी ह्यूज हो या कितना भी स्मॉलर हो, उसकी बॉडी बनी हुई है सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर सेल से। इसी के लिए कहा जाता है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, लाइक फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स अवेलेबल है, मिलियन बिलियन सेल्स अवेलेबल है, तो इसे हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के शेप्स देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में एक ही सेल अवेलेबल है और ये सेल का कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है, ये अपना शेप चेंज करते रहता है कंटिन्यूसली। इसी तरह से सेकेंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है पेरामोशियम। पेरामोशियम का जो शेप है, यू कैन सी लाइक स्लीपर जैसा है। ओके, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग की बॉडी वेरियस काइंड के शेप से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं मसल सेल्स, उसका शेप आप देख सकते हैं, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल्स, स्पर्म, ओवम, एंड सबसे लॉन्गेस्ट बिगेस्ट सेल है नर्व सेल्स, और सबका शेप एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में अलग अलग शेप के सेल्स अवेलेबल हो सकते हैं। सेल का शेप जो है वो और उसकी साइज, वो कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड होती है। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वर्क क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर यूनिसेल्युलर है तो उसकी बॉडी अलग अलग फंक्शन करेगी टू लिव, जिंदा रहने के लिए अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेगी। ये फंक्शंस एक्चुअली परफॉर्म होते हैं सेल्स के थ्रू। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स अवेलेबल है, तो हर एक सेल्स को अलग अलग टाइप के वर्क डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल है हार्ट। हार्ट के अंदर जो सेल्स हैं उसका वर्क है पंपिंग द ब्लड,
इसी तरह से स्टमक अवेलेबल है। स्टमक का वर्क होता है डाइजेशन करना। नर्व सेल्स का वर्क होता है जो हमारी बॉडी में सेंसेशन होती है, जो फीलिंग्स होती है, उसे बॉडी के एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर करना। दैट मीन्स अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमने प्रीवियसली स्टडी किया था, अगर बॉडी को बॉडी जो है वो बनानी है तो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी सेल की। पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है, और पूरी बॉडी में जितने भी वर्क हो रहे हैं वो भी सेल परफॉर्म कर रहा है। इसी के लिए सेल को कहा जाता है सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, दैट मीन्स कंबाइनली अगर मैं कहूँ तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप वॉचिंग।